हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं अष्टमी स्वागत करती हूँ हमारी चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल के बारे में। वीडियो अच्छी हुई तो फ्रेंड्स लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल हड्डी की ताकत और खनिज सामग्री को बढ़ाते हैं। ये कैप्सूल हड्डियाँ कमजोर और गिरने की संभावना को भी कम करते हैं, साथ में हड्डियां फ्रैक्चर होने से भी रक्षा करते हैं। बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल का प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सप्लीमेंट, स्वस्थ हड्डियों, जोड़ों और बेहतर तंत्रिका कार्य के लिए, विटामिन डी की कमी पूर्ति के लिए, गर्भावस्था, स्तनपान, सर्जरी के बाद या पोषण संबंधी दुर्बलता की स्थितियों में आहार पूरक के रूप में, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों के विकार, विभिन्न प्रकार के एनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए, विटामिन के की कमी पूर्ति के लिए, ब्लड क्लॉटिंग की समस्या, जिगर या लिवर के रोकथाम के लिए, एंटीकोअगुलेंट्स ओवरडोज, आहार की कमी, हाथों पैरों का सुन्ना होना, रक्त में मैग्नीशियम की कम मात्रा, कोशिकाओं का सामान्य कामकाज, मांसपेशियों का सामान्य कामकाज, दिल का सामान्य कामकाज आदि का उपचार, नियंत्रण, रोकथाम और सुधार के लिए। बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल की मैन्युफैक्चरर है मैक्लियड्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। और गाइस, इसका कंपोजिशन की बात करें तो कैल्सिट्रायल, कैल्शियम कार्बोनेट, मैंगनीज, जिंक, एल मेथिल फोलेट, मेथिल कोबालामिन एंड विटामिन K2-7 कॉम्बिनेशन से बनाया गया है। कैल्सिट्रायल एक एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 का, जो कि कैल्शियम अब्सॉर्प्शन में मदद करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैंगनीज हेल्दी बोन, नर्व्स और मसल्स के लिए जरूरी है। जिंक इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करने में मदद करता है। विटामिन K2-7 हमारा नर्व्स को हेल्दी रखता है। खुराक, बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल की खुराक, गाइस मरीज की एजेस, जेंडर, वेट, हेल्थ कंडीशन और चिकित्सीय जानकारी के आधार पर निर्धारित किया जाता है, लेकिन गाइस डॉक्टर के अनुसार ही खुराक लेने चाहिए। बेसिकली रोजाना एक कैप्सूल भोजन के बाद लेने चाहिए। साइड इफेक्ट्स, बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल के कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे पेट में दर्द, उल्टी, घबराहट, सर दर्द, भूख में कमी, धात्विक स्वाद या स्वाद में कमी, लेकिन बायोडी 3 स्ट्रॉन्ग कैप्सूल की ये साइड इफेक्ट्स ज्यादा दिनों तक नहीं रहता है और इलाज खत्म होने के साथ ही समाप्त हो जाता है। फिर भी अगर हालत ज्यादा गंभीर हो जाए या लंबे समय तक रहता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बात करते हैं सावधानियों के बारे में, तो अगर गाइस आपको मधुमेह, उच्च रक्तचाप, गुर्दे या यकृत की समस्या हो तो ये दवा लेने से पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। यदि आप अन्य कोई दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो डॉक्टर को पूरी जानकारी देना चाहिए। यदि इस टैबलेट के किसी भी घटक से एलर्जी होते हैं तो गाइस यह टैबलेट नहीं लेना चाहिए। आगामी सर्जरी या ऑपरेशन के समय नज़दीक हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ये दवा ले। ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, इस दवा के ऑल्टरनेटिव मेडिसिन ब्रांड के नाम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। मेडिसिन के बारे में और जानकारी चाहिए तो कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्ते।